ओके बेटा, नेक्स्ट इसमें लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं आपका. अभी देखो, लास्ट टाइम हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर रहे थे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा आप लोगों ने बर्थ कंट्रोल मेथड स्टार्ट करे थे. ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स और डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मेथड्स आपके पास हैं. एक तो टेम्पररी मेथड्स आते हैं, जिसमें अगर मेल एंड फीमेल ने वापस मतलब प्रोजेनी आगे बढ़ानी है या फीमेल ने कंसीव करना है तो वो कर सकते हैं, इट इज रिवर्सिबल. लेकिन एक आपके पास परमानेंट मेथड आता है जो रिवर्सिबल नहीं है यहाँ पर. तो दो तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स मैंने आपको बताए थे. उसमें हमने प्राइम टेम्पररी स्टार्ट करा था बेटा. तो टेम्पररी में आपने नेचुरल मेथड्स पढ़े थे, बैरियर मेथड्स पढ़े थे. ठीक है, देन हमने पढ़ा था आईयूडीज के बारे में, और फिर हम लोग कर रहे थे कॉन्डम्स के बारे में एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में. तो ये सारा भी लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था. अब इसमें जो आपके चार मेथड्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं बेटा. नंबर फिफ्थ मेथड आपके पास आता है इंजेक्शंस. ठीक है, हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो फीमेल लेती हैं, एंड दिस इज अगेन अ मेथड विच कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ फीमेल फॉर प्रिवेंटिंग द कंसेप्शन और द प्रेगनेंसी. तो हार्मोनल इंजेक्शन में आइदर जो प्रोजेस्टोजन है उसका अकेले का इंजेक्शन लिया जाता है, और इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टिनॉन एंड ईस्ट्रोजन, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन दिया जाता है. और इस इंजेक्शन का मेन काम सेम वही है जैसे कि पिल्स करती हैं, दैट इज टू इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ FSH एंड LH इन केस ऑफ फीमेल बॉडी, ताकि ना तो कोई नई फॉलिकल बने ना ओव्यूलेशन हो. अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो बेटा प्रेगनेंसी के भी कोई चांस नहीं है. और इंजेक्शन में एग्जाम्पल आपके पास है डीपो प्रोवेरा, और लाइक आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है बेटा वो इंजेक्शन रिपीट किए जाते हैं फीमेल के केस में. आफ्टर एवरी 3 मंथ्स ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, और तब तक फीमेल इनको लेती है जब तक उसने कंसीव नहीं करना है. जिस टाइम पे कंसीव करना होगा उस टाइम पे ऑब्वियसली इंजेक्शन बंद कर दिए जाते हैं. ठीक है, तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स. उसके बाद अगर बेटा बात करें नेक्स्ट मेथड की, जिसको इम्प्लांट बोला जाता है. इम्प्लांट का देखो सीधा सा मतलब, पहली बात ये फीमेल के केस में यूज होगा, नॉट इन केस ऑफ मेल. और इम्प्लांट में कोई डिवाइस है जो बॉडी के अंदर डाला जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है. सो इट इज बेसिकली कॉल्ड इम्प्लांट. अब ये जो डिवाइस है बेटा, हो सकता है कि ये डिवाइस सिर्फ प्रोजेस्टोजन का बना हो, या फिर प्रोजेस्टोजन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का बना हो, और इस डिवाइस को स्किन के अंदर डाला जाता है, इम्प्लांट किया जाता है फीमेल्स में. ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी डन बाय द एक्सपर्ट नर्सेज और द डॉक्टर. और इसका जो पीरियड है बेटा वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू इंजेक्शन. इनका जो इफेक्टिव पीरियड है वो कम से कम 5 साल तक का रहता है, मतलब दे कैन बी इफेक्टिव फॉर 5 ईयर. एक बार अगर इम्प्लांट हो गए तो 5 साल तक बर्थ कंट्रोल हो जाता है आराम से. और अगर वो चीज कंटिन्यू करनी है फीमेल में तो आफ्टर एवरी 5 ईयर फीमेल इनको रिप्लेस करवा सकती है. ठीक है, एक्शन इनका अगेन सिमिलर है, दैट इज टू इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH. तो ना तो फॉलिकल्स बनेंगी ना ओव्यूलेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, 0. अब इसमें एक एग्जाम्पल आपके पास आता है बेटा नॉर प्लांट. नॉर प्लांट जो है उसमें 6 स्मॉल प्लास्टिक की ट्यूब्स होती है, मैचस्टिक लाइक, जैसे माचिस की तिल्लियां होती है ना, वैसी आपके पास 6 स्मॉल प्लास्टिक की ट्यूब है जिसमें हैवी अमाउंट में प्रोजेस्टिन प्रेजेंट है. प्रोजेस्टिन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टिरॉन. और इनको बेटा इंसर्ट कहाँ किया जाता है, जैसे फीमेल की जो ये अपर आर्म का हिस्सा है ना, जो आपके शोल्डर से कनेक्टेड है, दिस अपर आर्म हिस्सा, तो इसके जो अंदर की तरफ, दैट इज दिस साइड, अंदर की तरफ एक हल्का सा कट दिया जाता है, और उसी कट में बेटा इसको इंसर्ट किया जाता है. तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा और इवन स्पर्म की एंट्री को भी रिटार्ड करेगा, सो इट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन. सेकेंड इम्प्लानॉन है बेटा. इम्प्लानॉन एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज जस्ट अ वन सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अगेन स्किन के अंडर इम्प्लांट किया जाता है आर्म्स में. और इसका मेन काम है टू इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड मेक द सर्विकल म्यूकस विस्कस. जितना ज्यादा सर्विकल म्यूकस विस्कस होगा बेटा, डेफिनेटली वो स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करेगा. तो ये आपके पास अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो प्योरली फीमेल के केस में यूज होंगे. इनको नाम दिया जाता है इम्प्लांट्स. क्लियर?
अब इम्प्लांट्स के बाद जो लास्ट इसमें आता है बेटा वो इमरजेंसी पिल्स हैं. अगेन दिस मेथड इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ फीमेल, नॉट इन केस ऑफ मेल. इमरजेंसी देखो नाम रखा गया है तो क्यों रखा गया है, इसमें बताते हैं कि जो ये पिल्स है अगर फीमेल इन पिल्स का अपटेक कर ले विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 2 या 3 दिन के अंदर अंदर विद इन 72 आवर्स अगर फीमेल इन पिल्स का इनटेक करती है तो ये पिल्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है. तो मतलब ये प्रेगनेंसी नहीं होने देंगी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी पिल्स. ठीक है, तो इमरजेंसी पिल्स कुछ खास केसेस में यूज होती है बेटा, जैसे जो रेप केसेस होते हैं तो उसमें जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, और अगर बाय चांस जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं या जो मैरिजेबल एज में है उनसे अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है तो उस टाइम पे दे कैन गो फॉर द यूज ऑफ इमरजेंसी पिल्स, बट विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस. 72 आवर्स के बाद लोगे तो इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, या तो बेटा इनमें प्रोजेस्टोजन होता है या फिर प्रोजेस्टिरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, और इनको और इफेक्टिव बनाने के लिए इनके साथ आईयूडीज भी अगर इंसर्ट कर दी जाए. ठीक है, या तो आप प्रोजेस्टिजन वाली कॉम्बिनेशन पिल्स ले लो या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, और इवन कहते अगर ये पिल्स ना ली जाए और 72 घंटे के अंदर अंदर फीमेल की बॉडी में अगर आईयूडी इंसर्ट कर दी जाए तो वो भी एक मेथड बन जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन, टू प्रिवेंट द चाइल्ड. दैट इज, बट लिमिटेशन क्या है, 72 आवर्स के अंदर अंदर बेटा, इसलिए इमरजेंसी बोला जाता है इसको. एग्जाम्पल है आई पिल, अनवॉन्टेड 72, प्रीवर्न एंड मिफेप्रिस्टन, ये कुछ टैबलेट्स हैं जो पिल्स हैं जो इमरजेंसी पिल्स हैं, बिकॉज इनको अगर लिया जाता है विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस इट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. तो ये हमारे पास बचे हुए मेथड्स थे बेटा टेम्पररी के अंदर, जिसमें इंजेक्शन है, इम्प्लांट्स हैं और लास्ट है इमरजेंसी पिल्स. क्लियर. अब दूसरी बात, जो बेटा सेकंड मेथड हमारे पास था उसको हमने नाम दिया है परमानेंट मेथड का, और परमानेंट को यहाँ पर सर्जिकल मेथड भी बोला जाता है. परमानेंट क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है, मेल फीमेल दोनों के केस में यूज होगा, और इसको स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इस मेथड के बाद मेल या फिर फीमेल आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर प्रोजेनी. ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, मेल फीमेल को फर्टाइल नहीं कर पाएगा, तो ये टर्मिनल मेथड माने जाते हैं टू प्रिवेंट द एनी मोर प्रेगनेंसीज. ठीक है, दूसरी बात, सर्जिकल मेथड में बेसिक प्रोसेस क्या है. देखो सर्जिकल मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है कि गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो हम सर्जिकल के अंदर पढ़ेंगे, कि सर्जिकल में मेन हमने करना क्या है, टारगेट क्या है. मेन टारगेट है गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोको. गैमेट अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएंगे बेटा तो फर्टिलाइजेशन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन, इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. तो दो टेक्निक्स हैं जो काफी यूज करी जाती हैं, बट इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत ही पुअर है. मैं पहले ही बता चुकी हूँ परमानेंट मेथड्स हैं. एक आता है वासेक्टोमी, एक आपके पास आता है ट्यूबेक्टोमी. वासेक्टोमी में वास वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वास डिफरेंस, जिसको बोला जाता है स्पर्म डक्ट. ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब डक, ट्यूब वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, जिसको नाम दिया जाता है ओविडक्ट. तो नाम से क्लियर है बेटा, वासेक्टोमी मेल के केस में यूज होगा, ट्यूबेक्टोमी विल बी यूज्ड इन केस ऑफ फीमेल, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, परमानेंट मेथड. नाउ लुक एट दीज टू डायग्राम, इन दोनों डायग्राम्स को यहाँ पर ध्यान से देखो. ये जो बेटा दोनों डायग्राम है, इसमें पहला डायग्राम वासेक्टोमी का है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो स्पर्म डक्ट है ये बेसिकली आपके पास क्या है, स्पर्म डक्ट जो स्पर्म को कैरी करते हैं टुवर्ड यूरेथ्रा. पता है ना आपको, रूट याद है ना पूरा. तो स्पर्म डक्ट को बेटा कट कर दिया जाता है, कट करने के बाद दोनों एंड्स को अलग अलग टाई कर दिया जाता है,
ताकि अगर टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करे, स्पर्म एपिडिडिमस में भी चले गए, स्पर्म स्पर्म डक्ट में भी चले गए, लेकिन वो स्पर्म डक्ट में ही रह जाएंगे, वो इस पार्ट में एंटर नहीं हो पाएंगे, और यहीं पर जो स्पर्म है वो विद द टाइम क्या हो जाएंगे बेटा, डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन 2 से 3 दिन का है। तो ऑब्वियसली जब ये वाला मेल सिक्रेशन रिलीज करेगा एट द टाइम ऑफ पॉप्यूलेशन बेटा, तो ऑब्वियसली आप उस सिक्रेशन को सिमेन बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर सिमेन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्म्स क्या होते हैं, एबसेंट, यानी कि ये वाला मेल जो सिक्रेशन रिलीज कर रहा है, वो सिक्रेशन एक्चुअली क्या है बेटा, वो सिक्रेशन एक्चुअली है ग्लैंड की सिक्रेशन। कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड, वो तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन है, लेकिन उसमें स्पर्म क्या हो जाएंगे, टोटली एबसेंट। तो ऑब्वियसली फीमेल फर्टाइल नहीं हो सकती, ठीक है। सेम वे में अगर हम फीमेल की बात करें तो बेटा ट्यूबेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी में ये दो है फैलोपियन ट्यूब्स विच आर कॉल्ड ओविडक्ट, एग्जैक्टली जो एम्पुला वाला पार्ट है वहां से इन दोनों को कट कर दिया जाता है, दोनों एंड्स को अलग अलग टाई कर दिया जाता है। अब सपोज करो अगर ओवरी ने ओव्यूलेशन कर भी दिया और सेकेंडरी ऊ साइट आपका यहाँ पर एंटर हो भी गया, वो ट्रेवल करके एम्पुला तक पहुंच भी गया, तो फायदा क्या बेटा, आगे तो पार्ट कटा हुआ है, पार्ट कटा है तो जो स्पर्म अगर फीमेल रिसीव करती भी है तो वो स्पर्म बेटा फैलोपियन ट्यूब में अगर इधर एंटर भी हो गए तो कोई फायदा नहीं है, वो तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, स्पर्म यहीं पे खत्म हो जाएंगे, एग यहीं पे खत्म हो जाएगा, दोनों की मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। सो दिस इज नोन एज व्हाट, ट्यूबेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी मेथड जो है स्टरलाइजेशन का परमानेंट मेथड है फीमेल के केस में, ठीक है, और जो वासेक्टॉमी है स्टरलाइजेशन का मेथड है परमानेंट इन केस ऑफ मेल। इतना क्लियर हो गया बेटा पॉइंट आप सब बच्चों को? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर इतना क्लियर है आपको तो, ठीक है बेटा। इसके अलावा ना दो पॉइंट आप और नोट कर लो, एक आपके पास ट्यूबल लाइगेशन भी है। अभी तो जैसे हमने पढ़ा ना कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड कर दिया, अनदर मेथड इज ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन में क्या किया जा सकता है कि जो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स हैं बेटा, द बोथ फैलोपियन ट्यूब्स, उनको ब्लॉक कर दो बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड लैप्रोस्कोप। मतलब इसमें आपको काटने की जरूरत नहीं है फैलोपियन ट्यूब को, आप उनको पर्टिकुलर उसी रीजन में जहां से कट कर रहे हो ना वहीं पर उनको ब्लॉक कर दो किसी भी तरीके से। तो जो इंस्ट्रूमेंट उनको ब्लॉकिंग के लिए यूज किया जाता है वो लैप्रोस्कोप है। तो ब्लॉकिंग से क्या होगा कि ओवम का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अनदर मेथड जो आप लेके चल सकते हो, जो बहुत वाइडली वैसे यूज नहीं होता, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेथड, दैट इज ओवेरेक्टॉमी, विच इज अनदर मेथड फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन दैट इन्वॉल्व द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ द वेरी गुड मेथड, वेरी गुड तो बेटा डेफिनेटली आपके पास ट्यूबेक्टॉमी है, ओवेरेक्टॉमी इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिवेंटिंग द कंसेप्शन, बट ये लिए जाते हैं फीमेल में, तो आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बेटा ये तो था आप लोगों के पास रिगार्डिंग द बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड हाँ जी अस्मिता बेटा जो मेंसेस हैं बेटा वो कंटिन्यू रहेंगे, मेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अगर आप इनकी बात करो फीमेल की, ठीक है, तो इसके केस में कईयों में वैसे कंटिन्यू रहते हैं, कईयों में डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, वैसे कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करो बेटा तो यहाँ पर सिर्फ फ्यूजन को रोक रहे हो ना, बाकी चीजें तो कुछ रुक नहीं रही है, ओव्यूलेशन अपनी जगह हो रहा है, ठीक है, ओवम सॉरी सेकेंडरी यूसाइट ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है बट वो फ्यूज नहीं हो रहा है, तो वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जो मेंसेस है बेटा वो तो नॉर्मली चलेंगे फीमेल में, मेंसेस आर गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, एंडोमेट्रियम टूटेगी बनेगी, फिर से फॉलिकल बनेंगी, फिर से फॉलिकल खत्म हो जाएंगी, तो वो साइकिल तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ओजेनेसिस कंटिन्यू रहेगा ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है, ओव्यूलेशन कंटिन्यू रहेगा ऑलवेज रिमेम्बर, मेंसेस कंटिन्यू रहेंगे ऑलवेज रिमेम्बर। सेम तरीके से मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहेगा, वो नहीं रुकेगा, बस जो सीक्रेशन ये मेल रिलीज करेगा उसमें स्पर्म नहीं होंगे, ऑलवेज रिमेम्बर। अब इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है दैट इज द एमटीपी। एमटीपी को बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि विलिंगली
अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को रोक देना, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तभी किया जा सकता है जब आपको अलाउ किया जाए लीगली, ठीक है। लीगल मतलब इसमें फॉर्मेलिटीज होती है बहुत सारी, आपका जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, अगर वो आपको अलाउ करता है, लीगल आपको परमिशन मिलती है, ओनली देन यू कैन गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरी बात अगर यहाँ पर करी जाए एमटीपी के बारे में, एमटीपी जनरली बेटा कुछ सिलेक्टिव केसेस में होती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई एमटीपी करा सकता है। एमटीपी इस केस में हो सकती है कि अगर मैरिड कपल में अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो देवर नॉट रेडी फॉर द कंसेप्शन, देवर नॉट रेडी फॉर द चाइल्ड एंड समहाउ द फीमेल हैज कंसीव्ड, इन दैट केस दे कैन गो फॉर द एमटीपी, ठीक है। अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, ऑलरेडी उनके दो बच्चे हैं, दे कैन गो फॉर द एमटीपी बिकॉज इट कम्स अंडर द फैमिली प्लानिंग। दूसरी बात जो रेप विक्टिम्स होते हैं, अगर वो अनफॉर्चुनेटली बेटा प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके केस में वी कैन ऑप्ट फॉर एमटीपी, ठीक है, वो लीगली उनको अलाउ किया जाता है। तीसरा केस वो हो सकता है कि जिसमें फीटस के बचने के चांसेस बहुत कम है, हो सकता है फीटस की वॉर्म में डेथ हो जाए, मे बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, या फीटल एबनॉर्मल पैदा हो और हो सकता है उसके सर्वाइवल के चांसेस बाद में बहुत कम रहे, या ये हो सकता है कि उसकी वजह से मदर की डेथ हो सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्ट्रिशन और प्रेगनेंसी। तो अगर बेटा ऐसी कुछ स्पेशल कंडीशन आती हैं, उसी टाइम पे एमटीपी अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज रूटीन में एमटीपी इज नॉट अलाउड। सो इट इज अ बेसिकली मेडिकल प्रोसीजर विच इज लीगली अलाउड टू द पेरेंट्स और टू सम पर्सन इन सम स्पेशल केसेस, ठीक है। तो इसको वॉलेंट्री या इंटेंशनल टर्मिनेशन बोला जाता है, क्योंकि मर्जी से और अपने विलिंग से वो टर्मिनेट करते हैं। एंड समटाइम इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन, क्योंकि इसमें अबॉर्ट करवाया जाता है चाइल्ड को या फिर फीटस को, ठीक है। अबाउट 45 to 50 million एमटीपीज बेटा वर्ल्ड में होती है हर साल ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, और इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपीज को लीगलाइज किया था 1971 में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन इसके ऊपर रखी थी ताकि इसका मिसयूज ना हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर इसकी आड़ में फीमेल फेटिसाइड करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, बोल देंगे कि बच्चा खराब है, बच्चा मरने वाला है या मदर को कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी आड़ में क्या होता है कि जो फीमेल बेबी होती है उनको अबॉर्ट कराने के केसेस बढ़ जाते हैं, मतलब फीमेल फेटिसाइड बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को कम करना या इनको बिल्कुल ना होने दो, तो इसी के लिए जब एमटीपी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी, लॉज बनाए गए, लीगल प्रोसीजर बनाए गए, ताकि इन चीजों के ऊपर एक चेक हमेशा बना रहे, ठीक है। इसलिए जब आप कभी हॉस्पिटल विजिट करते हो तो वहां पर गायनी वार्ड या हॉस्पिटल्स में बोर्ड लगे होते हैं तो लिखा होता है कि बच्चे का सेक्स पता करना एक कानूनन अपराध है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने वो देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, और उसके लिए कुछ पनिशमेंट रखी भी जाती है, पेनल्टी भी रखी जाती है, ताकि लोग इन चीजों में कम पड़े। जो एक्चुअल यूज है एमटीपी का वो होना चाहिए, ना कि फीमेल फेटिसाइड को बढ़ावा मिलना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो ये हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द फीमेल एमटीपी। तो एमटीपी का मेन क्या है बेटा? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जो कि सपोज किसी मैरिड कपल में होता है, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग द क्वाइटस या फिर रेप केसेस। जैसे फीमेल या मेल जो मैरिड कपल है, अगर वो इवन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी कर रहे हैं बट समहाउ फीमेल गॉट प्रेग्नेंट, मे बी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स शी गॉट प्रेग्नेंट, और मे बी द रेप केसेस वेयर द रेप विक्टिम गेट प्रेग्नेंट, सो इन दैट केसेस वी कैन ऑप्ट फॉर एमटीपी। और एमटीपी जो है उन केसेस में भी होती है वेयर द फीटस इज हार्मफुल फॉर द मदर, और मे बी देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फीटस, सो इन दैट केस द पेरेंट और द कपल कैन गो फॉर द एमटीपी विच इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बेटा कब करवाई जा सकती है? अब ये नहीं कि 9 महीने पूरे प्रेगनेंसी के तो कभी भी करा लो, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अगर एमटीपी होती है तो होती है, उसके आगे अगर होती है तो वो हार्मफुल है दोनों के लिए, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो एमटीपी कराने का सबसे सेफ टाइम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब पहले 4 हफ्ते,
पहले 4 हफ्ते का मतलब जो पहले 3 महीने है प्रेगनेंसी के, फर्स्ट 3 मंथ, पहले 12 हफ्ते या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्ट किया जाता है इट विल बी वेरी रिस्की फॉर द मदर। बच्चा तो चलो अबॉर्ट होगा ही होगा, मदर के भी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का, ठीक है। तो सेफेस्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 12 हफ्ते में या फिर पहले 3 महीने में। अब इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपके पास आता है दैट इज एसटीडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्जाम, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड एसटीआई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉल्ड एसटीडी। तो ये जो आपका एसटीडी या एसटीआई है ये है क्या? ये बेसिकली बेटा इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। लाइक 2 पर्सन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, 1 पर्सन अगर अफेक्टेड है तो जब इसका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होगा दूसरे पर्सन में तो डेफिनेटली ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो क्योंकि इन डिजीज के ट्रांसमिट होने का मेन रूट है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर इनको बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनेरियल डिजीज, और दीज आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि जब भी एसटीडी किसी पर्सन को होती है बेटा तो उस पर्सन की बॉडी में जो सबसे मेन पार्ट उसका अफेक्ट होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उस ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो भी पार्ट हैं, डक्ट हैं, वो अफेक्ट होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी है? नंबर 1 गनोरिया, नंबर 2 सिफिलिस, नंबर 3 जेनाइटल हर्प्स, नंबर 4 क्लेमाइडियासिस, नंबर 5 जेनाइटल वॉर्ट्स, नंबर 6 ट्राइकोमोनियासिस, नंबर 7 हेपेटाइटिस बी, एंड नंबर 8 दैट इज एचआईवी व्हिच कॉजेस द एड्स डिजीज। तो टोटल बेटा 8 बहुत कॉमन एसटीडीज आपको दी हैं, गनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स विच इज कॉज्ड बाय एचआईवी। तो ये आप ध्यान में रखो, इनका डिटेल अभी हम आपको कराएंगे क्योंकि डिटेल पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात अगर बेटा ट्रांसमिशन की करी जाए तो देखो ट्रांसमिशन में मेन तो आपको पता ही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हुआ बिटवीन इन्फेक्टेड एंड अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन तो डेफिनेटली वो ट्रांसमिट होगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी या एचआईवी, दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन और नीडल्स। लाइक जो नीडल्स या इंजेक्शन यूज किए जाते हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए या न्यू यूज करने चाहिए, एक ही नीडल या इंजेक्शन लगातार हर किसी में यूज नहीं हो सकता बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट द वायरस। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दैट शुड बी स्टरलाइज, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन ने नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को ब्लड दे दिया, ब्लड डोनेट कर दिया, तो ब्लड के थ्रू भी वो ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड मदर से बच्चे के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। सम डिसऑर्डर्स आर लाइक देयर विच कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम द मदर टू द फीटस, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा कुछ ऐसी डिजीज हैं बेटा जिनके सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी और ट्रांसमिशन के तरीके हैं, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड नीडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड इवन फ्रॉम द इंफेक्टेड मदर टू द फीटस, ठीक है। अभी जितनी मैंने आपको दिखाई ना यहाँ पर टोटल 8 देखो लिखी है हमने, इन 8 के नाम अच्छे से याद कर लो। इनमें से बेटा 3 के नाम देखो, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड एचआईवी, ये 3 है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड एचआईवी, ये तीनों डिजीज क्योरेबल नहीं है। इनको छोड़ के बाकी कंप्लीटली क्योरेबल है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इनको छोड़ के बाकी सारी डिजीज बेटा कंप्लीटली क्योर हो जाती है अगर टाइमली उनका पता लग जाए तो हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं,
उनको क्योर कर सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी इंफेक्शन क्योरेबल नहीं है, और इसका क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में जरूर पूछा जाता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीन डिजीज के नाम याद कर लो, दीज आर नॉट क्योरेबल, नॉट क्योरेबल डिजीज. कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी इंफेक्शन. हेपेटाइटिस में भी याद रखना हेपेटाइटिस बी है बेटा, इसकी पांच टाइप होती है ए बी सी डी ई, आगे पढ़ोगे आप. ठीक है, अब देखो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. मतलब अगर किसी पर्सन को एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसका पता कैसे लगता है? अब पता में देखो बड़ी प्रॉब्लम है. इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं, बहुत अर्ली जो सिम्टम्स आते हैं ज्यादातर लोगों में बेटा, वो माइनर सिम्टम्स होते हैं. जैसे इचिंग, इचिंग होती है जेनिटल एरिया में, फ्लूइड का डिस्चार्ज फीमेल के केस में हो सकता है थ्रू वेजाइना, स्लाइट पेन, लिटिल स्वेलिंग. तो ये सब कहाँ होते हैं? जेनिटल रीजन में, मेल या फीमेल में. तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत माइनर हैं, तो हो सकता है कि पर्सन इनको स्टार्टिंग में इग्नोर ही कर दे. ठीक है, क्योंकि इन जनरल भी हो जाते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी कि जिसको एसटीडी होगा उसको ही ये सिम्टम्स आते हैं, कईयों में सिम्टम्स वैसे भी नॉर्मली मिलते हैं. इसलिए मैंने बोला कि लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं अर्ली स्टेज में. ठीक है, फिर जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं बेटा, वो एसिम्प्टोमैटिक भी हो जाती है क्योंकि उनमें सिम्टम्स आपको दिखते ही नहीं है. एसिम्प्टोमैटिक का मतलब समझे ना, जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखते. जैसे कोविड 19 के भी बड़े केस आ रहे हैं जो एसिम्प्टोमैटिक हैं, जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं लेकिन उनमें वो वायरस है. ठीक है, तो ये केसेस यहाँ भी है, जिसकी वजह से दे कैन बी अनडिटेक्टेड फॉर वेरी लॉन्ग. अब उनको भी नहीं पता कि उनको ये डिजीज है, किसी को भी नहीं पता, तो वो तो आराम से ट्रांसमिट कर सकती हैं फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है, दूसरी बात बेटा, जो लोगों में एक ना वो होता है, मिथ होता है कि एसटीडी है तो वो छुपा के भी रखते हैं सोसाइटी में, लोगों से बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है. तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके ट्रांसमिट होने का. बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फैलाएंगे तो सही ना. ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर उनको नहीं मिलेगा. फिर उसके बाद पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है. पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब होता है बेटा पीआईडी. पीआईडी का मतलब कि जो आपका पैल्विक रीजन है, जैसे हमारे केस में, फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी यूट्रस सारे पैल्विक रीजन में है. मेल के केस में जो उनका थोड़ा बहुत पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो पैल्विक रीजन में है. तो पैल्विक रीजन में जो ऑर्गन्स हैं उनमें डिजीज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन. सो दिस इज कॉल्ड पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, विच इज कॉल्ड पीआईडी. अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको एसटीडी हो जाए, तो उसमें अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है. स्टिल बर्थ का मतलब कि जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है वॉम के अंदर, वॉम के अंदर ही डेथ हो जाती है बर्थ से पहले, तो उसको स्टिल बर्थ बोला जाता है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बताया था मैंने आपको. इनफर्टिलिटी हो सकती है और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक. तो ये जितने भी आपके पास बेटा सिम्टम्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम्स. इनमें से भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इन सिम्टम्स को जरा ध्यान से आप एक बार ही पढ़ लो. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा होता है एसटीडी का सोसाइटी में, तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी की बेटा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिग्रेड कर जाएगी, जबकि हमें उसको बेटर बनाना है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो अब वो देखो. आप देखो, एक तो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अवॉइड द सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स. मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर, अननोन इन दैट सेंस कि जिसकी मेडिकल हिस्ट्री हमें ज्यादा नहीं पता है, मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ द डिसऑर्डर. तो अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर के साथ जो सेक्स है दैट मस्ट बी अवॉइड. और मैरिड कपल या जो मैरिजेबल एज में लोग हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि दे ऑलवेज यूज द कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्डम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द एचआईवी. ठीक है, तीसरा, अगर कोई भी डाउट आता है, मतलब अगर कोई हल्का फुल्का सिम्टम देखने को मिलता है, माइनर सिम्टम देखने को मिलते हैं अराउंड द जेनिटल रीजन और इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देन द पर्सन मस्ट गो फॉर अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द अर्ली डिटेक्शन. क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में माइनर सिम्टम आएंगे और आप उनको इग्नोर कर दोगे तो वो डिजीज आप में फैल जाएगा, तो हो सकता है वो क्योर ना हो सके. वैसे तो तीन क्योरेबल नहीं है, लेकिन उनको छोड़ के बाकी क्योरेबल है, लेकिन वो तब क्योरेबल है जब उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए.
तो ये बेटा कुछ मतलब गाइडलाइंस हैं जो इशू की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट एंड द एनजीओस टू द पीपल सो दैट दे कैन मेक देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर एंड दे मस्ट प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द एसटीडीज. ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज.